मोहम्मद जान मोहम्मद जानू तुम ही हो जानवी भाई है। और ये कौन सा फ्लेवर है? ये रूह अफज़ा स्ट्रॉबेरी में। ये देखिए भाई दूध आ गया, ये देखिए भाई बड़ा अच्छा लगता है रमजान में हम लोग पीते हैं जानू भाई का शरबत। जानू भाई का शरबत रमजान भाई का शरबत हम लोग रमजान के अलावा भी पीते रहते हैं। ये वाली आइटम बड़ी मीठी आइटम है, ये मेहमान बहुत खाते हैं, आइटम मेहमान बहुत खाते हैं, मेहमानी आइटम है इसका मतलब 25 रुपए का। और समोसे के अलावा क्या खाओगे? और दही बड़े वगैरह बहुत आइटम है, बहुत आइटम है। बाजार से या घर के? नहीं नहीं घर के सब घर के होंगे। खाया था शब्बीर मियाँ के दही बड़े, शब्बीर मियाँ के दही बड़े। आप हैं शब्बीर साहब, खुद बनाते हैं आप? ये दूसरा थाल दूसरी जगह सामने लगा हुआ है भाई। और ये एक थाल ये है, और ये देखिए आप इस साल ब्लूबेरी है। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया जाता है? मैंगो। मैंगो का कौन सा है? मैंगो असल 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 अबू बेना का शरबत है, अबू बेना का शरबत, अबू बेना फलस्तीन, अबू बेना। ये स्ट्रॉबेरी डाल रहा है जी व्यूअर्स। तो हम जा रहे हैं टावर से लियारी की तरफ, क्या नज़ारे हैं वहाँ पर वो भी दिखाएंगे। पहले तो रास्ता देख लें आप, क्या खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, जमात खाना है, मस्जिदें हैं, अस्पताल है, मार्केटें हैं और लोग हैं, सब रमज़ान की बरकतें हैं। कारोबारी ज़िंदगी रवा दवा है, तेज़ी के साथ लोग सफ़र करते हुए नज़र आएंगे आपको शहर में, पाकिस्तान भर में, हर जगह। लियारी चलेंगे, कराची की जान, वहाँ पे क्या सूरत हाल है वो भी हम दिखाते हैं आपको, किन चीज़ों से वहाँ के लोग अफ्तारी करते हैं। ये आ गया लियारी का गेट, वेलकम टू लियारी। ये एक दीवार, लियारी लियारी है जानी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सी फूड स्ट्रीट्स हैं, मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स हम आपको दिखाएंगे, तो आज पहली दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स हम मौजूद हैं इस वक्त मूसा लैन लियारी गेट के बिल्कुल पास, और ये हैं यहां की इमारतें और यहां का रश, और ये है अफ्तार से पहले के यहां के मनाजिर, क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, बहुत आइटम है यहाँ भी। जूस कॉर्नर भी है यहाँ पर, कचौरियाँ भी हैं, छोले भी हैं, ये सब रश देख रहे हैं आप, ये सब यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं अफ्तारी के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें डिलीशियस आइटम यहाँ दस्तयाब हैं वो सब देखते हैं और जानते हैं दुकानदारों की ज़बानी, और यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे भी मालूम हासिल करते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं मज़ीद वीडियो। ये भाई बर्फ़ डल गई है दोबारा से, पहला शरबत ख़त्म हो चुका है, मज़ीद शरबत बनाया जा रहा है। और ये अब मज़ीद इसमें रंग डाले जाएंगे और मज़ीद शरबत तैयार होगा। ये देखें भाई, ये देखिए दूध आ क्या आ गया, ये देखो, ये देखें भाई दूध आ गया, ये देखिए भाई क्या चीज़ है भाई, ये दूध है, ये खाली दूध डला है भाई अभी। और ये फ्लेवर डालने जा रहा है, ये कौन सा फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी डालने जा रहा है भाई, ये भी दूध डला है और ये स्ट्रॉबेरी डाल रहा है, और ये स्ट्रॉबेरी डल गया भाई, और मज़ीद डाला जा रहा है, ये देखिए आप।
और ये अब इसको शेक कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई, मिला रहे हो जी? ये देखो भाई, ये मिला रहा है दूध में पानी, बर्फ, स्ट्रॉबेरी, सब मिक्स हो चुका है और वो पतीला खाली हो गया है। ये देखें भाई, यहाँ पे भी शरबत कौन सा मिल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कौन सा शरबत है ये? ये समा पान वालों की शरबत है। किसकी फ्लेवर कौन सा? फ्लेवर मैंगो और स्ट्रॉबेरी। ये मैंगो है? ये मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है। अभी तो मैंगो का सीजन भी नहीं आया है भाई। फ्लेवर है, फ्लेवर है, फ्लेवर चल रहा है। कितने का गिलास है ये? 50 और 100 की दे रहे हैं। 50 और 100 की दे रहे हैं। बनाओ ना, गरीब बात क्या था उसको 20 की दे देते हैं। दो बना, 50 दे दो, 50 वाली दे दो, 50 ये भाई 50 वाली दे लिए भाई। बर्फ कम है, देख बर्फ कम है, देख आ भैया दे ना। ये ले भाई, 50 रुपए की थाली तैयार हो गई है मैंगो की। दो बना, दो 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 आ रही हो ना? दो दो बाकी। यार आप गलत टाइम पे आए हो। ये चाइना शरबत है, और ये है स्ट्रॉबेरी। स्टाइलिश हो यार तुम तो, बड़े स्टाइल से निकालते हो। स्ट्रॉबेरी नाम है स्टाइल का? कितने की थैली? 50 रुपए की थैली है। कितने? एक गिलास है? दो? एक गिलास, एक गिलास। चार, चल अनस उठा, ये उठा, 400 उठा, 400 उठा। सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, आइए आइए, सस्ता सस्ता, असल असल असल, अबू बेना का शरबत है, अबू बेना का शरबत, अबू बेना, फलस्तीन अबू बेना। लिया भाई, फलस्तीन के नारे लग गए यहाँ पर भाई, जल्दी दो भाई। फलस्तीन के भी नारे लग गए भाई यहाँ पे। दे दे भाई को, दे यार उसको, दे यार। अरे ये वाली, ये वाली दे ना उसको। ये शरबत और आगे के सीन देखिए, यहाँ पे रश देखिए आवाम का। खचाखच लोग भरे हुए हैं और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। ये देखें रिक्शों की लाइन लग गई है भाई। शदीद ट्रैफिक जाम हो चुका है इस वक्त मूसा लैंड के इलाके में। और यहाँ पे भी रश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है ये देखिए। क्या नाम है भाईजान? ये मालपुरा है सर। आपका नाम क्या है? अब्दुल मुकीत। अब्दुल, अब्दुल मुकीत। मुकीत क्या बना रहे हो भाई आप? सर मैं मालपुरा बना रहा हूँ। मालपुरा बना रहे हो, कैसे बनता है भाई सर हमें भी दिखा। अंडा, मैदा, चीनी, दूध से बनता है मालपुरा। क्या क्या चीजें सर? अंडा, मैदा, चीनी, दूध, सूजी। कौन सा तेल है ये? सर डालडा घी है। डालडा घी है भाई, डालडा घी में बन रहा है भाई, एक नंबर घी पूरा मालपुरा बन रहा है। इसके क्या क्या फायदे हैं इसके? सर ये बस हर कोई, हर किसी को आइटम पसंद नहीं है वाली आइटम। बड़ी मीठी आइटम है ये, मेहमान बहुत खाते हैं ये आइटम। मेहमान बहुत खाते हैं, मेहमान ही आइटम है इसका मतलब। आइटम है ये, मेहमान बड़े ये मीठा होता है जायके में। मीठा होता है सर ये, मीठा होता है भाई जायके में। ये देखिए आप, ये है मालपुरा और ये रेडी हो गया। अब क्या होगा इसका? बस बस ये ही होता है सर। आप इसे भी खा सकते हैं और किसी किसी को मलाई के साथ खाना होता है वो मलाई के साथ खाते हैं भाई। अच्छा, कितने का दे रहे हो? 100 रुपए का सर। 100 रुपए का है भाई ये? 100 रुपए का। तो व्यूअर्स, ये है मुसाफिर खाने वाली रोड और यहाँ पे लोगों का रश देख लें आप, किस कदर आवाम है। ठाटे मारता बस समुंदर यहाँ लोगों का है, हर जगह की तरह यहाँ भी रश। और ये देखें भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सही है, आप सुनाओ।
क्या क्या बना रहे हो भाई? ये दही के साथ क्या कर रहे हो तुम? दही वाला शरबत बना रहे हैं। दही वाला शरबत बना रहे हो? कैसे बनता है ये शरबत भाई? ये पहले बर्फ डलती है। जरा थोड़ा जोर से बोला। पहले बर्फ डलती है, फिर शरबत डलता है, फिर दही डलता है। ये कौन सा शरबत बना रहे हो? ये पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का शरबत डल दिया, बर्फ डाल दी, अभी दही डाले। दही कितनी डालते हो उसमें? दही आधा पाव जितना डालते हैं। कितने की थैली है ये? 100 रुपए की। 100 रुपए की। कितने लोगों के लिए काफी है? ये 2 लोगों के लिए। 2 लोगों के लिए जबरदस्त। और ये आगे और भी कुछ शरबत है? ये दूध वाले हैं सारे। ये दूध वाले हैं। वो कितने की थैली है? ये बड़ी थैली 100 रुपए की है, छोटी 50 की है। देख रहे हैं भाई आप यहाँ पे, इलाके का नाम क्या है भाई? इलाके का नाम मूसा लैन, मूसा लैन लियारी गेट के बिल्कुल सामने। मूसा लैन लियारी गेट के बिल्कुल सामने दही का शरबत दस्तयाब है भाई। ये देखें आप, दही का शरबत बिक रहा है और मुख्तलिफ फ्लेवर हैं इसमें। फ्लेवर कौन कौन से इसमें? पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, गुआवा, पापोला, मैंगो। हाँ भाई, कितनी आमदनी हो गई आज? बस चल रहा है, थोड़ा चल रही है। शरबत की बहुत सारी थैली है। शरबत कौन कौन से शरबत है? पापोल है, मैंगो है, और ब्लूबेरी है। सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया जाता है? मैंगो। मैंगो का कौन सा है? मैंगो की थैली थैली 50, 100, 150, 200। ये देखो भाई, 100 वाला पाइनएप्पल, शायद दही वाला। ये भाई 100 रुपए पाइनएप्पल लग रहा है। और ये दही का नया थाल आ गया, ये दूसरा थाल दूसरी जगह सामने लगा हुआ है भाई। और ये एक थाल ये है। और ये देखिए आप, इस साल के 12 महीने है कम, ये सिर्फ महीना चलता है रमजान का। रमजान में रमजान स्पेशल है ये, रमजान मतलब दही का शरबत है रमजान में। ये दही का शरबत। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शायान है। शायान, ले भाई शायान साहब रमजान में दही का शरबत बेच रहे हैं, देखा आपने और जाना। और ये यहाँ पे ये बर्फ़ है इसकी, और ये थैलियाँ बनाई जा रही हैं, बर्फ़ में भरी जा रही हैं। ये सब देख, क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गा। क्या कर रहे हो? यहाँ पे ये एक और शरबत मौजूद है, ये थैलियाँ भरी हुई है भाई। और यहाँ पे दही का शरबत बनाया जा रहा है। ये देखिए भाई, कम दीजिए, 2 कम दिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? दही में क्या मिला रहे हो भाई? थैलियों में क्या मिला रहे हो? कौन कौन से फ्लेवर है? मैंगो, पाइनएप्पल, पकौड़ा, ब्लूबेरी। ये कौन सा? ये मैंगो है। ये पाकोला है भाई? जी भाई। क्या? और ये कौन से? ये पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल जा रहा है। कितने की थैली है? 150, 200। 150, 200। ये क्या है? ये ब्लूबेरी है। ये ब्लूबेरी है, सारे फ्लेवर है। और ये क्या है? पाइनएप्पल है, एक पाइनएप्पल है। ये ब्लूबेरी है। तुम्हारा नाम क्या है? जान मोहम्मद। जानू तुम ही हो? जानू भाई। और ये कौन सा फ्लेवर है? ये रूह अफजा है। ये रूह अफजा है भाई। जान मोहम्मद बदमाश से मशहूर है। जान मोहम्मद बदमाश से मशहूर है? नहीं नहीं ना, बोलने बोलने में। अब इसमें क्या मिलने जा रहा है? दही मिलने जा रही है? क्यों मिलने जा रही है भाई? अब इसमें देखें, दही मिल गई है और शरबत तेजी के साथ तैयार हो रहा है। ये आवाम का रशाद देखिए लगा हुआ है। थैलियाँ तैयार की जा रही हैं, 50, 100, 150, 200 की थैली मौजूद है यहाँ पर। फोकस विद फहीम, आप शरबत लेने आए हो? शरबत लेने आए हो? रोजाना आते हो? तकरीबन। वजह? बड़ा अच्छा लगता है रमजान में, हम लोग पीते हैं जानू भाई का शरबत। जानू भाई का शरबत रमजान में? शरबत हम लोग रमजान के अलावा भी पीते रहते हैं। चाहिए रमजान के अलावा भी मिलता है भाई? 12 महीने, साल के 12 महीने मिलता है भाई। ये जिनका वो होता है। अच्छा, रमजान में ही आगे आ जाता है। तो ये घर पे बना के पीना अच्छा नहीं है ज्यादा? घर पे भी बना के पीते, लेकिन इनकी थोड़ी ऐसी ना कि हमारे को रोजे में एक अलग ही लुक पाता है। भाई रोजे का लुक ही अलग है। और ये शरबत यहाँ पे लोगों का रश आप देखने लगा हुआ है। और ये दही मिला के दिया जा रहा है। देख रहे हैं व्यूअर्स आप, और आसमान देखिए आप, तेजी के साथ रोशनी कम होती जा रही है।
शरबत बेच रहे हो? हाँ शरबत बेच रहे हैं। ये 150 वाला है, 100 वाला है, 200 वाला है भाई, ये 150 वाला है। 150 रुपए का दही के साथ है ये सोडा वाला बना रहा है। सोडा वाला, सोडा वाला। ये कलर कौन सा है? ये पाकोला है। सोडा डालेगा, सोडा डालेगा भाई। ये लो भाई सोडा, ये देखो भाई सोडा, ये बोतलें खुल रही हैं सोडे की। ये देखो भाई, एक और तीसरी बोतल खुल रही है भाई, ये चौथी सर बोतल। ये देखो भाई, देख रहे हैं भाई, बोतलें सोडे की खुलती चली आ रही हैं और ये धुआं निकल रहा है और ये बोतल आ गई। थोड़ा ऊपर से डालो जरा बोतल, नजर तो है मुझे। नहीं नहीं मिलाओगे? नहीं इससे नहीं मिलते। और ये छोटे की बोतल जरूर तैयार हो रहा है, ये दो बोतल उठाओ। सोडा मिला दिया गया है और अब इसको पैक किया जा रहा है और यहाँ पे देखें शोर शराबा चल रहा है इस वक्त। अब आम का रश बढ़ता चला जा रहा है। हाँ भाई क्या लेने आए? अफ्तारी में क्या खा रहे हो आज? अफ्तारी में आज समोसों का प्रोग्राम। समोसों का कहाँ से खरीदोगे? ये आगे से। कितने का आएगा समोसा? 25 रुपए का आएगा। 25 रुपए का। और समोसे के अलावा क्या खाओगे? और दही बड़े वगैरह बहुत आइटम है। बहुत आइटम है। बाजार से या घर के? नहीं नहीं घर के, घर के। सब घर के होंगे। आई कंट्रोल ले रहे हैं सर। रमजान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं लोग, आप बताइए अपने बारे में। भाई हम तो जो है लो पेड एम्प्लॉइज थे। अच्छा, गवर्नमेंट में। ये है कि अभी रमजान तो हमारे लिए आफत हो गया। आफत है सुकून के लिए। हाँ भाई, सी बात है, इतनी महंगाई हो गई कि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। गवर्नमेंट तो सोई पड़ी है, फिर हर चीज महंगी महंगी होती जा रही है और कोई कंट्रोल का है नहीं। तो आप क्या करते हैं अफ्तारी में? मैं अफ्तारी में यही है, छोटा मोटा सामान लेता हूँ। हालांकि लो पेड एम्प्लॉइज हूँ, जो थोड़ा बहुत सामान मिला वो खाया और रुका रखा। तो अंदाजन कितना खर्चा हो जाता है अफ्तारी में आपका? डेली मुझे 1000 रुपये का चाहिए, रोजाना चाहिए। कितने लोग हैं फैमिली में? 5 मेंबर है, 3 बच्चे हैं और दो मियां बीवी है। उधर बसर कैसे? बड़ी मुश्किल से हो रही है। ये बिल वालों ने एक तो सत्यानाश किया हुआ, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। केसी के बिल के 5400 रुपए बिल आया अगर आप करके। किस महीने का? सर्दी के मौसम में। बिल्कुल सर्दी के मौसम, आधा दिन तो लाइट नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि ये जी ये सारे फैसले बाहर होते हैं, इसमें केसी के हो रही है, तो पाकिस्तान तो मुल्क किस लिए बना है? यहाँ होना चाहिए सारे फैसले, तो इसके फैसले तो बाहर होते हैं। सही कह रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी बैठ में और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपकी तो सारी चीज़ें ऐसे ही है। दिखता है गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है और भाई तो जो दरमियाना तबका वो मर जाएगा। चले अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे और हम सब की। मदद कहाँ से होगी? गवर्नमेंट तो चाह ही नहीं रही है कि मदद हो। ये तो सब बैठे हुए हैं ऐसे उल चुन के, हमें तो बताएगा कि सबके सब ये कमाने के चक्कर में। सलाम जाने मेरे और मदर है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद कामरान। कहाँ खड़े हैं आप? मैं मुसाले लियारी के अंदर खड़ा हूँ। क्या बेच रहे हैं? आलू चने, दिल्ली काड़ियावरी चने, काले चने। दिखाओ तो सही, क्या ये देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पड़े हुए। ठीक है ठीक है, ये आलू है, ये काले चने, ऐसा भी है काले चने। आलू क्या हिसाब है? आलू 10 के 2 है। 10 के 2 है जी हाँ। ये सब क्या है? ये कौन सी चटनी है? ये खट्टी चटनी इमली वाली है, ये मसाले वाली है, ये रायता है, ये चाट मसाला है, ये कटर मिर्ची है। ये थैली कौन सी है? ये 100 वाली थैली है आलू की। हाँ ये आलू की 100 वाली है, 50 वाली है, 20 वाली है। पटेले में तुमने क्या छुपाया हुआ है? इसके अंदर काठी वाली चने चले काठे वाली चने। ये देखें भाई काठिया वाली छोले, ये रे भाई छोले। कितना बनाते हो रोजाना? रोजाना माशाल्लाह 3 किलो बनता है। 3 किलो बिक जाता है सब? अल्लाह के। और कितने घंटे काम करते हो? रात को 12:30-1 बजे तक खड़ा रहता हूँ। बचत हो जाती है 1500 की? अल्लाह के हुक्म। बस ठीक है, जबरदस्त भाई। ये देखें आप, देख रहे हैं यहाँ पे काठियावाड़ी छोड़े मिल रहे हैं, आलू मिल रहा है, काले चने मिल रहे हैं और ये उसकी चटनी है और ये पापड़ी मौजूद है यहाँ पर, ये और ये रायता भी मौजूद है, ये मिर्चे भी लगी हुई है और ये क्या, ये तो बताया नहीं तुमने, ये तिल्ली है। तिल्ली है? कितने की है? एक तिल्ली 20 रुपए की है। 20 रुपए की तिल्ली है भाई। इसमें ये बात है ना कि आपके पास 100 रुपए नहीं है मसला नहीं है, आपके पास 50 रुपए नहीं है मसला नहीं है, आपके पास 20 रुपए तो जेब में है ना, यहाँ पर 20 रुपए की भी चीज़ मिलती है। जबरदस्त है भाई, सुन लिया आपने। और ये लीजिए भाई दही बड़े आ गए, दही डलना शुरू हो गई है। ये भाई दही बड़े तैयार हो रहे हैं, दही बड़े के ऊपर देखें आप दही डाली जा रही है।
कितने की थैली लाला? थैली कितने की? एक पाव 130 रुपए का है। 130 रुपए पाव है भाई। और बर्फ भी है इसमें? बर्फ अलग से, वो थैली के अंदर है। अच्छा, थैली के अंदर है, ताकि इसको ठंडा रखा जाए। ताकि इसको ठंडा रखा जाए। ये लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। ठंडा इसका फ्लेवर जो है वो इनहेंस हो जाता है थोड़ा सा। जगह कौन सी है जरा जगह तो बताइए। ये मूसा लेन है। मूसा लेन है। और ये शब्बीर मियाँ के दही बड़ों के नाम से पूरे इलाके में ऐसे दही बड़े कहीं भी नहीं है। क्या नाम दोबारा बताएं? हालात शब्बीर मियाँ के दही बड़े। शब्बीर मियाँ के दही बड़े आप हैं शब्बीर साहब? खुद बनाते हैं आप ये? जी। जबरदस्त भाई, ये के दही बड़े होते हैं और ये इस इलाके में कहीं भी नहीं है इस तरह के। कहीं नहीं मिलेंगे ये। फ्रेस्को को भी हिट करते हैं ये लोग। फ्रेस्को कुछ नहीं है इसके सामने? बिल्कुल है। चलो भाई ये देखें, फ्रेस्को से भी अच्छे दही बड़े 130 रुपए एक पाव। और यहाँ पे देखे काठियावाड़ी छोले बनाए जा रहे हैं तुम्हारे। देखते हैं अभी, देखते रहे, देखते हैं कि चटनियाँ किसने डल दी हैं, क्या है क्या नहीं। चटनियाँ तो डालें, कैसे डालना है भाई? बताते जाओ, नाम बताते हो। ये खड़ी चटनी है, इमली वाली, ये मसाले वाली चटनी है, ये रायता है, ठीक है, चाट मसाला है, ठीक है, ये गटर मिर्ची है, और ये चने का पानी भी साथ जाता है। चने का पानी डलने जा रहा है भाई, चने का पानी भी डल गया। और क्या डलेगा अब इसमें? पापड़ी नहीं है इसमें? पापड़ी आएगी, आएगी भाई पापड़ी अलग से। तो ये पोजीशन है इस वक्त मूसा लेन की। अफ्तार पार्टी चल रही है यहाँ पे, अफ्तार का सीन ऑन है, लोगों का रश बढ़ता चला जा रहा है। पकोला मैंगो दही वाला 100, 200, 150। क्या नाम है बाबा आपका? मोहम्मद। मोहम्मद जी, जी कहाँ रहते हैं आप? मूसा लेन। कब से रह रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया। अंदाजन छोटे से बड़ा हुआ हूँ। इंटरव्यू दे रहे? आपकी आंखों को क्या हुआ? पैदाइशी अंधा हूँ। और पैदाइशी अंधे हैं आप? अच्छा, अल्लाह मियां आप आंखों वाले हो इसलिए माजूर को छेड़ दिया। नहीं, छेड़ नहीं रहा मैं आपको। व्यूअर्स ये देखें आप, व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों का रश। वालेकुम भाई जान। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शायान। यहाँ तो आपकी प्लेट खाली हो चुकी है। माशाल्लाह सब बिक गया जी। ज़्यादा कर वक्त से पहले ही? वक्त से पहले ही। कितने चने लाए थे आप बेचने के लिए? चने मेरे 4 किलो होते माशाल्लाह। 4 किलो और 15 किलो आलू होते हैं, और कड़ी चने होते 3 किलो माशाल्लाह माल निकल जाए। आप कम सस्ता बेच रहे हैं क्या? आप रेट मेरे बिल्कुल मार्केट के हिसाब से कम मिलेंगे आपको, चीज आपको अच्छी मिलेगी, घर के मसाले मिलेंगे, बाहर का कोई आइटम नहीं है, सब घर का बना हुआ है सर। आपने चाट घर का बना हुआ है। हेलो भाई, पुलिस की मोबाइल भी आ गई। और देखें आप, वक्त से पहले ही पूरी डिशें खाली होती जा रही हैं। घर का बना हुआ सामान यहाँ पे दस्तियाब है। ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर मूसा लेन के इलाके में, यूसुफ मंजिल गली नंबर 3 वेलकम बेकरी के पास मूसा लेन। ये है रश की पोजीशन यहाँ पर गुजरते वक्त के साथ साथ दर्ज बढ़ता चला जा रहा है। शरबत पे बहुत ज़्यादा जोर है भाई, शरबत पे बहुत ज़्यादा जोर है। हर तरफ अवाम नज़र आ रही है, लोगों का हुजूम हर कोने में नज़र आ रहा है। और ये पानी के केन यहाँ से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे समोसे और रोल वगैरह दस्तियाब हैं। 170 रुपए दे दो। क्या बेच रहे हो भाई? समोसे बेच रहे हैं, कबाब बेच रहे हैं, चपली कबाब है। तो बताओ क्या है? मुनासिब कीमत 240 रुपए दर्जन भी है, चपली कबाब महंगी है तो 420 रुपए दर्जन है। और ये कौन से है? बॉल कौन सी रखी हुई है? काला कबाब बोलते हैं, काली कबाब। काली कबाब, काली कबाब कैसा भाई?
120 रुपए का एक, 240 रुपए दर्जन। यहाँ भी तकरीबन माल खत्म हो चुका है भाई इफ्तार से पहले ही। और यहाँ पे ये देखें मजीद रश आप देख सकते हैं। और यहाँ बिरयानी दस्तियाब है, ये देखो भाई बिस्मिल्लाह फूड्स कॉर्नर। ये बिरयानी, ये क्या चीज़ है? हलीम है, हलीम। हलीम बेच रहे हो? क्या हिसाब बेच रहे हो? 70 रुपए प्लेट। 70 रुपए की प्लेट है। क्या है इसके? बीफ है? क्या है इसके अंदर? बीफ पक्का ही बात है? जिंदा दिखाओ तो सही हलीम, ऐसे ही दिखो, ऐसे ही। ये देखो भाई, ये देखो भाई अलीम, देखो देख रहा है अलीम कैसी होती है। और ये आगे यहाँ पर देखें, काका चैनल का नाम क्या है? क्या नाम है चैनल का? नाम अभी बताता हूँ। और ये यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। हाँ भाई क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब समोसे फ्राई करने में मसरूफ है यहाँ पर। चैनल का नाम क्या है? हाँ भाई क्या बिक रहे हैं हम? दही बड़े। दही बड़े, दही बड़े बिक रहे हैं भाई। ये लो भाई दही बड़े बिक रहे हैं। हाँ भाई क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। गलीम भाई क्या चीज बेच रहे हो भाई? दही बड़े बेच रहे हैं। दही बड़े क्या हिसाब है? 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो? बहुत सस्ता दे रहे हो यार। तो तुम खैरियत भाई? गरीब लोग है क्या कर सकते? गरीब लोग हैं इसलिए सस्ता दे रहे हो। जबरदस्त सवाब कमा रहे हो ना फिर? 2 साल में नहीं दी। चलो भाई ठीक है, 2 साल से यही रेट है। दही बड़े 400 रुपए किलो है भाई यहाँ पे। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम आरिफ है। इलाके का नाम क्या है? एड्रेस तो बताएं जरा। ये भाईजान अल्लाह भला करे मूसा लेन का इलाका है। मूसा लेन? मूसा लेन। और आगे पीछे कुछ होगा ना? आगे पीछे ये समझो मुसाफिर खाने वाली गली कहलाती है, इसके बिल्कुल सामने ये स्टॉल लगा हुआ है हमारा। किस चीज का स्टॉल है ये? ये मोहम्मद का शरबत है भाई। रंग से क्या फर्क पड़ता है? ये लाल है, ये पीला है, ये नफरत वाला है। है? ये नफरत है। ये नफरत क्या है? ये नफरत फैला रहे हैं। नफरत क्यों फैला रहे हो भाई रमजान में? नहीं नहीं नफरत फैलानी चाहिए, फैलानी चाहिए। थोड़ी बहुत नफरत भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मोहब्बत भी होनी चाहिए, मुनाफिकत नहीं होती। और कितने का गिलास है मोहब्बत का शरबत? 50 रुपए का। और नफरत वाला? नफरत वाला भी 50। वो भी 50 का? दोनों 50। ये भाई ये आलू है और ये चना है। 50 रुपए की थैली है भाई। 50 रुपए की है। एक चम्मच आता होगा इसमें? नहीं नहीं एक नहीं आता भाई, 3 चम्मच 50 रुपए में 3 चम्मच मिल जाएंगे। और ये काले चने भाई कुंडा बेच रहे हो? दही बेरा, ये थैली बना देंगे। कितने की दे रहे हो? 50 रुपए की थैली। 100 रुपए पाव है। 100 रुपए पाव है। नाम क्या है? गुल बहार का दही पेड़ है। सुभान सुभान सुभान। जाते हो? हां। और आज का सिक्स काम सुभान ये घर पे बनाते हो या कहीं से खरीद के लाते हो? घर पे, घर पे, घर पे बनाते। घर पे बनाते? कौन बनाते? तुम बनाते हो? हम नहीं बनाती है। जी व्यूअर्स, तो आपने देखी मूसा लेन लियारी के इलाके की वीडियो। कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। आवाम का रश हाटे मरतबा समुंदर आप देख रहे हैं। वक्त से पहले सब अफ्तार से पहले अपने अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं और ये उसी सिलसिले का ये रश है। तो मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। पी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।